देवास के नेमावर में हुए जनहत्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत के अवैध घर और दुकान पर शुक्रवार के दिन देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शिव दयाल सिंह गुर्जर के निर्देशन में प्रशासन के बुलडोजर से सब ध्वस्त कर दिया गया। नेमावर में हुए जनहत्या हत्याकांड की आग पूरे प्रदेश में लग चुकी है। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन और पार्टियां आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मांग कर रही है। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी खेद प्रकट करते हुए ट्वीट किया था, सभी आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस जनहत्या हत्याकांड को लेकर देवास जिले के अधिकारी एक्शन मोड में हैं। इसके चलते शुक्रवार के दिन जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए मुख्य अपराधी सुरेंद्र राजपूत के घर पर और दुकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। हालांकि चर्चा यह भी है कि मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। हालांकि घटना के बाद पार्टी के वरिष्ठ इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। बागली सर्विस पाटीदार की रिपोर्ट। और प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्य बहुत ही सूक्ष्मता से और सावधानी पूर्वक संकलित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं रहे जो आवश्यक हो। हमारा प्रयास ये है कि इसको जल्दी से जल्दी त्वरित न्यायालय में इसकी सुनवाई करा के और चिन्हित अपराधों की श्रेणी में इसको रखा गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर हालत में इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सभी अपराधियों के हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं, उनके जहाँ जहाँ भी यहाँ भी अन्य जिलों में जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो सब भी खंगाला गया है, उनके ऊपर और भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सर, ये संपत्ति तोड़ने का जो कार्रवाई हो रही है ये सभी पे हो रही है, उसको छोड़ा जा रहा है? जैसा मैंने कहा कि सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ आवश्यक है उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी ली जा रही है, यदि कोई अवैध है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके सभी अन्य जो स्रोत हैं उन पर उनकी जानकारी ली जा रही है, साथ के साथ ही इनके जो अन्य जिलों में यहाँ पे जो क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन सब की जानकारी हम लोग संकलित कर रहे हैं ताकि नंबर वन विक्टिम को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। सर, क्या अभी और आरोपी क्या गिरफ्तार हो सकते हैं पुलिस के अनुसार? अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उनमें इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यदि कोई और साक्ष्य आएंगे या इस तरह की कोई बात आएगी तो वो आगे फिर बता दी जाएगी। थैंक यू। आज कार्य चल रहा है आपके प्रशासन द्वारा? तो प्रमुख रूप से ये मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे ये घटना हुई थी अत्यंत ही जघन्य और ख़राब थी। इसको लेकर के इस तरह के जितने भी अपराधी चिन्हित रहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसी क्रम में हमने जो इसके चिन्हित अपराधी हैं उनका जो भी संपत्तियाँ हैं कल उसमें उनको चिन्हित किया था। ये भी देखा गया कि निर्माण अवैध भी है और लगभग 4,500 स्क्वायर फीट में निर्मित है। आज हमारी पूरी पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मिलकर के हम इसको ध्वस्त करेंगे। बड़ा स्पष्ट इससे मैसेज भी जाता है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करने का प्रयास करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसी विषय में जो अन्य अपराधी हैं उनके भी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और सभी के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जब तक इन सब के विरुद्ध चाहे इनके संपत्तियों की हो चाहे न्यायिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह से लगे रहेंगे इस पर। थैंक यू सर। पीड़ित परिवार के लिए कुछ योजनाएं अभी जारी हो गई हैं? पीड़ित परिवार के लिए कल शासन के निर्देशानुसार मैंने एक आदेश जारी किया था जिसमें 41,25,000 रुपए की उनको सहायता दी गई है। एक परिवार में जो एक भाई बहन हैं उनके हम ज्वाइंट खाते में वो राशि डालेंगे, दूसरा जो परिवार है उनके अलग से नाम है। तो आदेश ऑलरेडी जारी हो चुका है, मेरे समझ से मैं मीडिया के साथियों को शेयर भी कर दूंगा। शासन ने उसमें कल ही निर्देश जारी कर दिए थे। गवर्नमेंट नौकरी की भी मांग की जा रही थी? निश्चित तौर पे जैसा पहले कहा कि शासन ने ये कहा कि इनको जो पीड़ित परिवार है उनको हर संभव मदद की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर जैसे मैंने बताया कि 41,50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। सर, क्या पूरा मुकदमा हाईट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा? निश्चित तौर पर उसमें ऑलरेडी मेरे समझ से एसपी साहब और उसको स्पष्ट करके बताएंगे। ऑलरेडी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और जिला स्तर से लोकल स्तर से और शासन स्तर से सभी प्रयासरत हैं कि इसमें शीघ्र ही सजा मिले और जिससे कि लोगों में ये विश्वास हो कि इस तरह का घटना करने से कोई बच के नहीं जा सकता। राम लोग आ रहे हैं, अच्छी हुई क्लियर आईडी आ रही है तो इसको रोक लो या इसको बंद कर लो? सर, बाहर निकाल दे, बाहर करना ही है। एक बार देख लेते हैं आपका हर इनको रोक दो, थोड़ी देर वाइट हो जाए इसका वाइट में ना। हां, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।